हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं रोज आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेकर आऊं, डिवाइन की गाइडेंस लेकर आऊं, और मेरी रीडिंग से आपको हीलिंग मिले, आपको एक डायरेक्शन मिले लाइफ में, और आपको समझ में आए कि आपको अब आगे क्या करना है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं, और आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को यूज करके आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गिव अप नहीं करना है फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमारी चाल धीमी क्यों ना हो। ठीक है, तो आज देखते हैं यूनिवर्स का एक और मैसेज हमारे लिए। बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और आप देखेंगे आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। फेथ, देखिए, बिल्कुल फेथ के साथ आगे बढ़े। ठीक है, लाइफ में आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप फेथ रखिए, चेंज आ रहा है। जिस चेंज का आप इंतजार कर रहे हैं वो चेंज आ रहा है, आप बस भरोसा रखें। ठीक है, अपने भरोसे को ना खोएं। और इस वक्त अगर आप इस कार्ड को देखेंगे फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा कि ये सारी विजडम समेटे हुए है अपने अंदर। ओके, किसी नई चीज को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार। लिटरली यहां पर कोई चाइल्ड का बर्थ भी हो सकता है। और जो मैसेज मेरे को चैनल हो रहा है फ्रेंड्स कि आप लिटरली कोई न्यू चीज को बर्थ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। आप इतनी विजडम गेन कर चुके हैं, आप इतनी पावर में हैं, और बहुत टाइम बीत चुका है यहाँ पर, और आपने हर चीज को, हर विजडम को, हर एक्सपीरियंस को अपने अंदर समाया हुआ है। आपने जो भी लर्निंग्स लाइफ से ली हैं, उसे आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, और अब आपकी लाइफ में आप उस विजडम को यूज करेंगे। कोई एक ऐसी चीज को आप जन्म देंगे जो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, तो बस भरोसा रखें, ये न्यू जो आप जो न्यू लाइफ अपनी क्रिएट करने वाले हैं, बस वो होने वाला है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते कि लेडी जैसे बिल्कुल प्रेग्नेंट और रेडी टू गिव बर्थ है। ठीक है, तो आप इसी तरह से आपकी लाइफ में आपने जो जो चैलेंजेस देखे हैं, जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में रही हैं, उन्होंने आपको बिल्कुल तैयार कर दिया है, और अब जो है आप भरोसे के सहारे या पेशेंस रखे हुए हैं और इस न्यू चीज के बर्थ का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि इस भरोसे को कायम रखें, इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ें। और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। तो कुछ नया होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है यहाँ पर आपकी, आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, वाव, टेन ऑफ कप्स, हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेंटमेंट, लविंग रिलेशनशिप, और बहुत ही सक्सेसफुल फैमिली लाइफ। तो जो भी आप लोग, अगर आपकी रिलेशनशिप लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी वो विजडम आपने एक्वायर कर लिया है, तो आप इस लविंग फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लविंग पार्टनरशिप, लविंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एक न्यू लाइफ, यू नो, एक न्यू फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी को लेकर हो सकता है ये, या फिर आपकी लव सिचुएशन में हो सकता है कि आप जैसे जो कुछ भी है यहाँ पर, बहुत ही खुशियां, बहुत सारी, आप यहाँ रेनबो भी देख सकते हैं, और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली दिख रही है यहाँ पर। तो बहुत सारी खुशियों को आप अट्रैक्ट करें। आप इनफैक्ट आप ये न्यू क्रिएटिव लाइफ, अपनी न्यू लाइफ को आप खुद जन्म दे रहे हैं यहाँ पर, आप खुद उसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस न्यू बिगिनिंग के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, यस, एकदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल फोकस्ड हैं,
और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये बहुत तेजी से हो रहा है फ्रेंड्स, जो भी इस वक्त चेंजेस आएंगे, ये जो न्यू चीज बर्थ लेगी ये बहुत तेजी से होगा। और आप इस वक्त जो है अपनी पूरी पावर में हैं, अपनी पावर को पहचाने, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिकॉर्न देख सकते हैं, पूरे पावर में है और अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस को एक्सपेक्ट करें, जैसे सडनली कुछ जन्म लेने वाला है, ठीक है। सडनली एक नई शुरुआत होने वाली है, अचानक से जो कुछ भी होगा एकदम अचानक से होगा आपकी लाइफ में, और आपको ये पूरी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। तो जैसे आप लोग बस अपनी खुशियों को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और थोड़े कार्ड से हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। और देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं। क्या है ये न्यू खुशियां हमारी लाइफ में? बिल्कुल इमोशनल फुलफिलमेंट की तरह दिख रही है फ्रेंड्स। आप जो ये न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है, एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होकर दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ओ वाओ, देखिए तो आप अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पर जैसे एम्ब्रेस करेंगे, और अपने पास्ट का प्यार कोई वापस आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई चाइल्डहुड रोमांस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हैं, आपके पास्ट में है ये इंसान, और जो कि हो सकता है आपको छोड़कर चले गए हैं, या कोई सेपरेशन में है आप लोग, तो ये अब वापस आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, वो ऑफर करेंगे जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है। और आप देख सकते हैं ये एंजल इन्हें हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, ये एंजल यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। और ये आप ये फॉरगिवनेस भी हो सकती है फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके प्यार को पहले इग्नोर किया था, तो अब वो आके आपसे माफी मांगेंगी और आपको ये नया ऑफर देंगी। और बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पर, जैसे आपको आपकी जर्नी को यहाँ पर एंजल्स एंड डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत प्यारा सा वक्त आपके पास आ रहा है, वापस आ रहा है। यहाँ पे अगर लव सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कोई फैमिली मेंबर वापस आ रहा है, या कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपका आ सकता है, तो कोई ना कोई आएगा जो आपसे माफी मांगेगा, या फिर आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेगा और न्यू ऑफर लेकर आएगा। और देखते हैं तो हमारी स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए है, या तो आपके लिए जैसे ये जो आप एक न्यू चीज को बर्थ देने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर इतना विजडम समेट लिया है, तो आप जैसे आप एकदम एक पावरफुल प्लेस में पहुंचेंगे फ्रेंड्स। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, रिजुविनेटेड फील करेंगे, और आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप जैसे आपको अब किसी से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही वो शील्ड बन चुके हैं, आप खुद ही अपने अंदर इतने पावरफुल बन जाएंगे ये सारी विजडम को आप एक्वायर करके, कि आप जो हैं बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी में, एक अलग पर्सनालिटी में अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। और आपको किसी की मतलब आप खुद में ही बहुत इनाफ है, आपको किसी की जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है, और आप जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने जीना है अब। तो यहाँ पे कई लोग मेरे व्यूअर्स, आप खुद की पावर में आ रहे हैं, ओके। और आप बहुत वाइज डिसीशन लेंगे, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स्ड माइंड में होंगे, और बिल्कुल भी जैसे आपको कोई
स्ट्रेस या कोई एंजाइटी या इनडिसिशन यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप एकदम अपनी पावर में रह करके चॉइसेस करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर एक और एडवाइस भी आपको मिल रही है कि जो आप इस न्यू एनर्जी में अब आ रहे हैं और एक न्यू जिंदगी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए, पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। आप इसके ऊपर स्ट्रेस ना करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप अपनी पावर में रहेंगे। डिवाइन आपको याद दिला रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हैं। ओके, तो यहां पर ये किंग ऑफ कप्स आपको बता रहा है फ्रेंड्स, ये जो ऑफर आ रहा है ये आपको बहुत ही स्टेबल, बहुत ही डिवोटेड और ट्रस्ट वर्दी पर्सन से आएगा, ठीक है? अगर ये पहले अगर बहुत ज्यादा एक प्लेफुल एनर्जी में थे या बहुत इमेच्योर्ड एनर्जी में थे, तो अब ये जो है ये सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे आपकी तरफ, ये सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे आपकी तरफ, और ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही जैसे आप एकदम सेफ और सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप होगी। अगर जिसकी भी ये रोमांटिक सिचुएशन है, तो फ्रेंड्स आपको अगर पहले किसी ने आपके कप को ठुकरा दिया था, तो वो अब जैसे हो सकता है उन्होंने बचपन में ऐसे किया, इमेच्योरिटी में ऐसा किया, या वो उसके लिए रेडी नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब जो ऑफर आने वाला है वो एकदम सॉलिड है, क्योंकि आप दोनों की ही ग्रोथ हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ अब मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आप दोनों की ही ग्रोथ हो चुकी है, आप दोनों का वो रेस्टिंग पीरियड जो है वो काइंड ऑफ खत्म हो रहा है, ठीक है? आप दोनों ने अकेले में रहकर बहुत सारी सोल सर्चिंग कर ली है, बहुत सारे चीजों को समझ लिया है, और अब आप जैसे इस ऑफर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस किंग की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, तो ये बहुत लव सिचुएशन के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। और अगर ये नहीं तो ये आपके अंदर ही हो रहा है फ्रेंड्स, आप खुद के लिए उस प्यार को जो शायद आप पहले नहीं करते थे, अपने आप को ही, आपने खुद को ही एक तरह से वो प्यार नहीं दिया जिसके आप हकदार थे, तो अब आप जैसे आपको वो इनसाइट जो है यूनिवर्स दे रहे हैं और आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं इसमें, कि आप खुद ही इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप खुद ही बहुत ज्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और उस पावर में आएंगे और अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस करने वाले हैं। तो ये या तो आप खुद के साथ कर रहे हैं या किसी और के साथ, तो ये आप अपनी सिचुएशन में ध्यान रखें कि आपकी सिचुएशन किस की कौन से मेरे जो रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रही है। तो मैंने दो तरह के आपको बताए हैं यहाँ पर, तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपकी हो सकती है। ओके, एक दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं और जरा सा और पता करते हैं इसके बारे में। यहां मैं डेक चेंज कर रही हूं, देखते हैं कोई और सिचुएशन निकल कर आती है या नहीं। यहां पर जैसे फ्रेंड्स ये कार्ड्स भी हमें वही सेम मैसेज दे रहे हैं यहां पर कि आप या तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपकी तरफ आएंगे, जो बहुत विजडम गेन कर चुके हैं ऑलरेडी और अब जैसे आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल स्टेबल और एकदम स्ट्रांग कनेक्शन होने वाला है ये, और देखिए ये बिल्कुल रेडी है इस वक्त आपकी तरफ
बढ़ने के लिए। तो ये एक सॉलिड पार्टनरशिप हो सकती है, सॉलिड फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर अगर कोई, जैसे आपका अगर कोई फैमिली मेंबर वापस आ रहा है तो पूरी विजडम गेन करके आ रहे हैं, अब वो वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर ये लव सिचुएशन है तो ये पर्सन भी पूरे स्टेबल ऑफर के साथ आएगा और पूरी कमिटमेंट के साथ आएंगे और वापस नहीं जाने वाले। ये इन्हें अच्छी तरह समझ आ गया है इनकी पावर क्या है, इनकी डेस्टिनी क्या है और किस डायरेक्शन में इनको जाना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आज का। तो आप जैसे बिल्कुल अपने भरोसे को, अपने फेथ को स्ट्रांग रखें फ्रेंड्स, जो आप चाहते हैं वो होने वाला है। और या तो ये आप खुद हैं जो पूरी विजडम को गेन कर चुके हैं और यू नो इस स्टेबिलिटी के लिए और अपने अंदर जो इतनी स्ट्रेंथ है आपकी, एक कमिटेड लाइफ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और या फिर आप अगर अपने लव सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो अब बिल्कुल तैयार हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिल्कुल स्टेबल हैं, सारी विजडम को गेन कर चुके हैं, जो कुछ भी उन्हें पता करना था इस रिलेशनशिप के बारे में, और अब वो सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। एक यस और नो निकालते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। डेफिनेटली तो दिनों ने भी पूछा है, मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ने किसी का नाम सोच करके पूछा होगा कि क्या ये वही पर्सन है, तो आंसर आया है डेफिनेटली। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर मेरे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, नेक्स्ट संडे नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, मोर लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।